हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडी शॉप। दिस इज चैप्टर 17 ऑफ आरएस शर्मा एशियन इंडियन हिस्ट्री। ऑलरेडी हम 16 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर 17 का हमारा पार्ट 2 अपलोड होगा। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 बना चुकी हूँ। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रूरल इकोनॉमी। ऑलरेडी इससे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो 16 इंपॉर्टेंट महान जनपद थे, अगर हम आज के टाइम पे कहें तो जो उस टाइम की इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी, उस समय उनका कल्चर कैसा था, कहाँ से हमें किस तरह की सेटलमेंट मिली है, किस तरह के वहाँ पर वेयर्स मिले हैं, इनकी वो कैसे चीज़ें यूज़ करते थे, तो उन सब के बेसिस पर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और ये टाइम वो है जिसमें हम वर्ण सिस्टम की व्यवस्था के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ रहे हैं कि जो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग वो लोग कैसे रहते थे, उनकी सेटलमेंट कैसी होती थी। तो अब हम इसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रूरल इकोनॉमी कि तो मतलब उस समय जो रूरल इकोनॉमी थी, जो गांव की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। तो अगर हम बात करें रूरल सेटलमेंट की, तो जो हमें NBPW वाला जो हमारा फेस था, जिसमें हमें जो ब्लैक पॉलिश फेयर थे वो मिले थे, हम अगर देखें तो जो रूरल सेटलमेंट है उसमें हमें ये वाला फेस देखने के लिए मिलता ही नहीं है। ठीक है, शर्ट्स ऑफ दिस वेयर हैव बिन फाउंड एट ओवर 400 साइट्स इन द प्लेन ऑफ बिहार एंड दोज ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूपी। अब यहाँ पर अगर आप दूसरी जगहें देखेंगे तो आपको बिहार, ठीक है, या फिर ईस्टर्न या सेंट्रल यूपी है, वहाँ पर आपको कुछ 400 साइट्स मिलेंगी, ठीक है, इस तरह की। हाउएवर द NBPW ऑल्सो एक्सटेंडेड ओवर मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। जो हमारा NBPW जो फेस था, ये केवल ना हमारा ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी या बिहार वाला जो एरिया था वहीं पर हमें देखने के लिए मिलता है, बल्कि ये हमारा MP और महाराष्ट्र तक एक्सटेंड होके जाता है। तो आप देख सकते हो कि मतलब एक काफ़ी अच्छी खासी ये सेटलमेंट रह चुकी थी। वी कैन नॉट थिंक ऑफ द बिगिनिंग ऑफ क्राफ्ट्स कॉमर्स एंड अर्बनाइजेशन इन द मिड गैंगेटिक बेसिन विदाउट अ स्ट्रॉन्ग रूरल बेस। तो देखिए, जो हमारा मिड गैंगेटिक बेसिन था, मतलब जो गंगा जो रिवर थी उसके आसपास का जितना भी एरिया था, वहाँ पर हम ये तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते कि वहाँ पर अर्बनाइजेशन पहले आया था या वहाँ का जो क्राफ्ट था, जो कॉमर्स था, वो सब इसलिए था क्योंकि वो अर्बन एरिया हो चुका था, सिटीज़ हो चुकी थी, नहीं। क्योंकि किसी भी जगह की जो स्टार्टिंग थी वो एक स्ट्रॉन्ग रूलर बेस से थी कि पहले वहाँ का कुछ ना कुछ जो वहाँ की जो व्यवस्था है, सेटलमेंट है, वो बिल्कुल वैसा ही रहा होगा जैसे एक गाँव वाला रहता है। धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ, तो इसलिए यहाँ पर भी अगर हम उसके बेसिक की बात करेंगे कि उसकी जो सेटलमेंट है वो किस तरह स्टार्ट हुई, तो वो भी कहीं ना कहीं रूलर बेस्ड ही थी। प्रिंसेस, प्रेस्ट, आर्टिशियन, ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, मिलिट्री पर्सनल एंड द न्यूमरस अदर फंक्शनरीज कुड नॉट लीव इन अ टाउन अनलेस टैक्स ट्रिब्यूट तिथीज वर अवेलेबल इन सफिशियंट मेजर टू सपोर्ट दैम। देखिए, किसी भी जगह पर जो उस समय चाहे वहाँ आर्टिशन हो, ट्रेडर हो, प्रिंसेस हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर उस जगह से या और भी कोई भी फंक्शनरीज वहाँ पर जो वहाँ पर रह रहे हैं, अगर वहाँ से टैक्स नहीं मिलेगा, ट्रिब्यूट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर वो उस जगह को सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप आज हमारे अपने खुद के देश को ही देखते हो, तो अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे, सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, तो कौन तो गवर्नमेंट जॉब करेगा, क्योंकि उनकी सैलरी कहाँ से आएंगी। वो लोग भी तो हमें सर्विसेज इसलिए प्रोवाइड करते हैं ना, क्योंकि हमारे टैक्स के फॉर्म में उनको सैलरी मिलती है। तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह की है अभी जो व्यवस्था थी वो चल रही थी। नॉन एग्रीकल्चरिस्ट लिविंग इन टाउन हैड टू बी फेड बाय द एग्रीकल्चर लिविंग इन विलेजेस। जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं थे, तो वो भी किस पर ही डिपेंड थे, वो भी जो लोग एग्रीकल्चर करते थे उन्हीं पर डिपेंड हुआ करते थे गाँव में। इन रिटर्न आर्टिशियन एंड ट्रेडर लिविंग इन अ ट्रेड मेड टूल्स, क्लोथ एंड द लाइक अवेलेबल टू द रूलर फॉक। अब देखिए, जो उस समय आर्टिशंस होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो तो खेती नहीं करते थे, लेकिन खाने के लिए तो उनको भी चाहिए, तो वो किस पे डिपेंड होते थे, वो जो एग्रीकल्चर करते थे वो उन पे डिपेंड होते थे, और बदले में जो आर्टिशन थे, ट्रेडर थे, वो उनके लिए टूल्स बनाते थे, क्लोथ बनाते थे, जो भी गाँव में जिसकी भी ज़रूरत है। वी हियर ऑफ अ विलेज ट्रेडर डिपॉजिटिंग 500 प्लक्स विद अ टाउन मर्चेंट, दीज वर एविडेंटली आयरन प्लेक्शेयर। हमने देखा है कि जो विलेज के जो ट्रेडर्स थे, मतलब वहाँ पर ऐसा पता लगाया गया, कुछ एविडेंस मिलते हैं कि जो विलेज के ट्रेडर्स थे उन्होंने 500 जो प्लग थे, जो हल थे, वो किसको डिपॉजिट किए थे, जो वहाँ पर करने वाले जो मतलब एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके लिए उन्होंने उनको तैयार किया था, जो आयरन प्लेक्शेयर थे, क्योंकि वो उस चीज़ में महारत उनको हासिल थी कि टूल्स वगैरह किस तरह बनाते हैं और वो उस चीज़ को बेचते थे या रखते थे। From the NBPW phase in Kaushambi, iron tools consisting axes, adzes, knives, razor, nails and the sickles.
तो ये बहुत तरह के उस समय जो टूल्स थे जो आरएन के बने होते थे उनको डिस्कवर किया गया है। तो अब आरएन जो अब ये टूल बनाने का काम है आरएन से, ये तो नहीं है, जो एग्रीकल्चरलिस्ट है उनका तो नहीं है ये काम, किसी फार्मर को तो बनाने बैठेगा नहीं। तो ये सब कौन बनाता था? ये उस समय जो आर्टिशन होते थे या ट्रेडर्स होते थे वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को बनाते थे। अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ दैम रिलेट टू द लेयर ऑफ अबाउट द 5th-4th century वर प्रोबेबली मेड फॉर द यूज़ ऑफ पीजन हु बॉट दैम विद कैश और काइन। तो हमें जो 5th और 4th century है उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर हमें बहुत सारे इस तरह के टूल्स मिलते हैं एक लेयर की फॉर्म में, जिससे कि हम उनके टाइमिंग का भी पता लगा सकते हैं। और ज़्यादातर ये सब जो पीजन के यूज़ के लिए बनाए जाते थे, जिनको पीजन कैश दे के या फिर कुछ और सामान के बदले वो उनको ले लिया करते थे, खरीद लिया करते थे। न्यूमरस विलेजेस आर मैंशन इन पाली टेक्स्ट एंड टाउन सीम्स टू हैव बीन सिचुएटेड मिड डिस्टेंट क्लस्टर ऑफ अ विलेजेस एंड इट सीम्स डैट न्यूक्लिएटेड रूरल सेटलमेंट इन विच ऑल द पीपल सेटल्ड एट वन प्लेस विद देयर एग्रीकल्चर लैंड मोस्टली आउटसाइड द सेटलमेंट वर फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन द मिड गैंगेटिक प्लेन ड्यूरिंग द एज ऑफ गौतम बुद्ध। देखिए बहुत सारे जो गाँव हैं उनके बारे में जो पाली टेक्स्ट है, जो बुद्ध के जो बुद्धिस्म के जो टेक्स्ट हैं उसमें हमें पता चलता है बहुत सारे उस समय जो छोटे छोटे गाँव होते थे उनके बारे में। और ये जो छोटे छोटे गाँव होते थे आपको ज़्यादातर एक क्लस्टर की फॉर्म में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक गाँव यहाँ पर बहुत दूर, नहीं, 3-4 गाँव एक साथ बहुत आसपास वाले एरिया में मिलते थे, ठीक है। और ये रूरल सेटलमेंट हुआ करती थी, जो सारे लोग थे वो सब एक जगह रहते थे और सबकी अपनी कुछ एग्रीकल्चर लैंड हुआ करती थी, ठीक है। और ये जो लैंड थी ये कोई उनकी ऐसा नहीं है कि जहाँ वो रह रहे हैं वहीं वो लैंड थी, बल्कि जहाँ पर वो लोग रहते थे उससे थोड़ा दूर जाके उनकी जो सेटलमेंट्स है उससे थोड़ा दूर जाके तब उनकी वो लैंड होती थी। जैसे कि आप गाँव में भी देख सकते हो, एक गाँव होता है लेकिन जो ज़मीन होती है गाँव वालों के, जो खेत होते हैं वो उस गाँव से थोड़े बाहर जाकर होते हैं। तो ऐसे ही ये जो चीज़ें हैं ये नोटिस की गई हैं, और ये किसके टाइम पे की गई हैं, जिस समय एट द एज ऑफ द गौतम बुद्ध। जो पाली टेक्स्ट था वो कम से कम 3 टाइप्स ऑफ विलेजेस के बारे में बताता है। फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूडिंग द टिपिकल विलेज इनहेबिटेड बाय वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज एंड दीज विलेजेस सीम्स टू हैव बीन द लार्जेस्ट इन नंबर एंड ईच विलेज इज हेड बाय द विलेज हेडमैन कॉल्ड भोजक, ठीक है। तो जो पहली कैटेगरी बताई है एक टिपिकल विलेज के, जो मतलब इसमें जो बताया गया है वो ये होता था कि बहुत जो बाय वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज़, इसमें कास्ट के अकॉर्डिंग और जो कम्युनिटीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो गाँव के लोग थे वो वहाँ रहते थे एंड दीज विलेजेस सीम्स टू हैव बीन द लार्जेस्ट इन नंबर। और इस तरह के ही गाँव ज़्यादा मिलते थे। इसमें क्या होता था कि मतलब एक कास्ट है, एक कम्युनिटी है, तो उनके लोगों ने अपना अलग गाँव बसा लिया, फिर दूसरा कास्ट है, दूसरी कम्युनिटी है, एक जैसे लोग हैं, उन्होंने अपना अलग बसा लिया। तो इस तरह की सबसे ज़्यादा जो हमें गाँव है, टिपिकल विलेजेस जिसको कहा गया है यहाँ पर, तो इस तरह के जो लोग थे वहाँ पर वो रहते थे, जो सेम कास्ट है, सेम कम्युनिटी के से जो बिलोंग करते थे। और हर गांव को जो हेड करने वाला था एक विलेज हेडमैन होता था जिसको भोजक बोलते थे। अब सेकेंड कौन से होते थे? ये होते थे सब अर्बन विलेजेस डैट वर इन द नेचर ऑफ क्राफ्ट विलेज, है ना। एक क्राफ्ट विलेज वाला जो नेचर होता था इनका, जिसमें जो कारपेंटर्स होते हैं या फिर जो चैरियट मेकर होते हैं वो लोग रहते थे, ठीक है। और ये सब देखे गए हैं जो वाराणसी जो सिटी है उसके आसपास। ऑब्वियसली सच विलेजेस सर्व्ड एज अ मार्केट फॉर अदर विलेज। ये जो गांव है ये खुद अपने आप में ये सब अर्बन कहा गया है, कि ना तो पूरी तरह से गांव है ना पूरी तरह से शहर है, बल्कि शहर से थोड़ा ज़्यादा मिलता जुलता है क्योंकि दूसरे गांव के लिए एक तरह से ये मार्केट का काम करता था। क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो सामान बनाते थे अलग अलग तरह का, लोग आते थे इनके पास खरीदने के लिए, तो ये मार्केट की तरह दूसरे गाँव के लिए काम करता था। और ना केवल गाँव में बल्कि दूसरे जो टाउन्स होते हैं या कंट्री साइड वहाँ पर भी ये ट्रेड करता था। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी, ये होते थे बॉर्डर विलेजेस सिचुएटेड एट द आउटर लिमिट ऑफ द कंट्री साइड विच मर्ज्ड विद द सराउंडिंग फॉरेस्ट, जो बिल्कुल कंट्री साइड पे होते थे और जो ज़्यादातर जो फॉरेस्ट है उससे जुड़े हुए होते थे। पीपल लिविंग इन दिस विलेजेस वर प्रिंसिपली फॉलर एंड हंटर हु लास्टली लिव्ड ऑन फूड गैदरिंग। अब ये लोग जंगल से जुड़े हुए हैं तो इनका जो काम होगा वो क्या होगा, शिकार करना होगा, तो ज़्यादातर ये फूड गैदरिंग पर ही डिपेंड होते थे। द विलेज लैंड वर डिवाइडेड इंटू कल्टीवेबल प्लॉट विच वर अलॉटेड टू ईच फैमिली, जो विलेज की जो लैंड होती थी उसको एक कल्टीवेबल जो प्लॉट होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप खेती बाड़ी कर सकते हो, उनसे प्लॉट की फॉर्म में जो फैमिली होती थी उस गाँव में, हर फैमिली को कुछ जो ज़मीन है वो दे दी जाती थी। ईच फैमिली कल्टिवेटेड इट्स प्लॉट इन कंजक्शन विद इट्स मेम्बर सप्लीमेंटेड बाई एग्रीकल्चरल लेबर, और हर फैमिली उस पर क्या करती थी, अपनी खेती बाड़ी करती थी और चाहे तो उस पर वो जो अपने और वो लेबर वगैरह मतलब वो वहाँ पर लगा सकती थी।
फील्ड वर फेंस्ड एंड इरीगेशन चैनल डग कलेक्टिवली बाय द पीजेंट फैमिली अंडर द सुपरविजन ऑफ द विलेज हैंडमैन। अब उस खेत में पानी भी चाहिए, वो क्या करते थे, सबसे पहले तो वो एक बाउंड्री बना लिया करते थे उस फील्ड की, ठीक है, और फिर इरीगेशन चैनल डग कर लिया करते थे जिससे कि उनको ना जो पानी है वो मिल सके। और ये सारा किसके सुपरविजन में होता था, ये होता था जो विलेज हेडमैन है उसके सुपरविजन में। द पीजेंट हैड टू पे 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस एज टैक्स। उस ज़मीन पे जो भी वो लगाएगा उसका जो भी 1/6 बनेगा उस पीजेंट को वो एज अ टैक्स फॉर्म देना पड़ेगा। टैक्सेस वर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रॉयल एजेंट। और टैक्स को कौन कलेक्ट करता था, जो रॉयल एजेंट होते थे, मतलब उस समय जो भी वहाँ प्रिंस वगैरह होते थे उनके जो भी रॉयल वगैरह मिनिस्टर्स होते थे वो इस टैक्स को कलेक्ट करते थे। जनरली नो इंटरमीडिएट लैंडलॉर्ड एग्जिस्टेड बिटवीन द पीजेंट एंड ऑन द वन हैंड एंड द स्टेट ऑन द अदर। अभी तक यहाँ पर वो जो बीच में लैंडलॉर्ड वाला जो इंटरमीडिएट था वो नहीं आया था, सीधा जो टैक्स था वो पीजेंट से होके किसके पास जा रहा था, स्टेट के पास जा रहा था। सम विलेजेस वर हाउएवर गारंटेड टू ब्राह्मण एंड अ बिग मर्चेंट ऑल्सो हियर ऑफ लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड वर्क विद द हेल्प ऑफ स्लेव्स एंड एग्रीकल्चर लेबर। तो उस समय भी कहीं कहीं जो ब्राह्मण्स हैं, जो बिग मर्चेंट्स हैं, है ना, उनकी बड़ी चलती थी, जो राजा होते वो भी उनको ज़मीन दे दिया करते थे या फ्री कर देते थे टैक्स वगैरह से। एंड वी ऑल्सो हियर अ लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड वर्क विद द हेल्प ऑफ स्लेव्स एंड एग्रीकल्चर लेबर। और बहुत सारी ज़मीनों पर बड़े बड़े जो प्लॉट होते थे उनसे जो स्लेव्स होते हैं या फिर जो एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं उनकी मदद से काम करवाया जाता था। जो रिच पीजेंट्स होते हैं उनको बोलते थे गहपति, ठीक है, जो एक पाली टर्म है, हु वर ऑफ ऑलमोस्ट द सेम स्टेटस एज अ सेक्शन ऑफ वैश्या। जो एक स्टेटस वैश्यास को मिला हुआ था, आपको पता है ना, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय और फिर थर्ड नंबर पर होते थे वैश्यास। तो यहाँ पर जो स्टेटस वैश्यास को मिला होता था वही ये जो रिच पीजेंट है उनको मिला होता था। जो राइस था वो एक स्टेपल सीरियल थी जो प्रोड्यूस होती थी यूपी में और बिहार में ड्यूरिंग दिस पीरियड। और बहुत सारे तरह की जो पैडी और जो पैडी फील्ड है वो आपको पॉलिटेक्स्ट में उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ऑल्दो राइस वॉज यूज इन इंडिया इन द सेकेंड एंड द थर्ड मिलेनियम। तो जो अगर बात करें भारत में राइस का जो यूज़ है वो सेकेंड और थर्ड मिलेनियम में आपको देखने के लिए मिलेगा। लाइक आयरन इट बिकम्स फार मोर इफेक्टिव इन द NBPW फेज। जिस तरह से जो आयरन है वो बड़ा इफेक्टिव रहा है NBPW वाले फेज में, वैसे ही जो राइस है वो भी NBPW वाले फेज में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। यूज़ करें अगर हम टर्म की, जो उसमें टर्म बताई हुई है, ये शालीफॉर्ट ट्रांसप्लांटेशन इज फाउंड इन द पाली, ठीक है, एंड प्राकृतिक इन संस्कृत टेक्स्ट फॉर द पीरियड। तो ये जो टर्म है हमें जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए मिलती है ये हमें पाली, प्राकृतिक, संस्कृत तीनों ही पीरियड में हमें, अगर आप तीनों ही टेक्स्ट देखोगे तो आप हमें तीनों में मिलेगी। लार्ज स्केल पैडी ट्रांसप्लांटेशन, देखिए जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं जिनको पता है कि जो चावल है या पैडी है उसे कैसे लगाया जाता है तो वो ज़रूर जानते होंगे कि इसमें क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है। और ये कब शुरू हुआ है, एट द एज ऑफ बुद्धा, ठीक है, तो यहाँ पर इन द एज ऑफ बुद्धा। अंडर 500 BC पैडी सीड्स वर सोन एंड ग्रोन एक्सक्लूसिवली इन द वाटर एरिया। जो पैडी के सीड्स हैं उनको पहले लगाया जाता है, ठीक है, फिर इनको थोड़ा बड़ा होने दिया जाता है। और ये किस पे, इनको लगाने के लिए ना वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप बिना पानी के जो चावल है उसको नहीं कर सकते। हाउएवर द पैडी सीडलिंग वर रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल फील्ड। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको ना उनके ओरिजिनल फील्ड से निकाल लिया जाता है और फिर उनको कहीं और लगाया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। दिस मैथड रिवोल्यूशनाइज राइस प्रोडक्शन, ठीक है, और ये जो मैथड है ये बहुत ज़्यादा फिर चल जाता है और इससे बहुत ज़्यादा राइस प्रोडक्शन देखने के लिए मिलती है। पैडी ट्रांसप्लांटेशन और वेट पैडी प्रोडक्शन एडेड इनॉर्मसली टू द ईल्ड। अब इस वजह से जो इस तरह के जो मैथड था इससे क्या होने लग गया, जो वीट है वो बहुत ज़्यादा एक, मतलब उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होने लगा। पीजेंट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बार्ले, पल्सेस, मिलेट्स, कॉटन। जो पीजेंट है ना केवल वो चावल बल्कि बार्ले, पल्सेस, मिलेट्स, कॉटन, शुगरकेन, वो इन सब का भी प्रोडक्शन करते थे। एग्रीकल्चर मेड ग्रेट स्ट्राइड थ्रू द यूज ऑफ द आयरन प्लगशेयर एंड विद द इमेंस फर्टिलिटी ऑफ द एलुवियल सॉइल इन द एरिया बिटवीन इलाहाबाद एंड राजमहल। तो ये बताया हुआ है कि जो इस टाइम पे जो इस एरिया की जो सॉइल थी वो बहुत ही ज़्यादा इमेंसली फर्टाइल थी। कौन सी सॉइल थी, एलुवियल सॉइल थी। प्रोडक्शन मोर देन डबल, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था उस समय। द सरप्लस केन, अब जब सरप्लस केन होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका ट्रेड भी काफ़ी अच्छा होगा। और सरप्लस जो ग्रेन था उसमें क्या क्या आता था, राइस और दूसरे जो मैंने आपको सीरियल्स बताए वो सारे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली बिकम सेंट्रल टू द प्रोग्रेस ऑफ द रूरल एंड द अर्बन इकोनॉमी
आयरन प्लेड अ क्रूशियल रोल। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी में या चाहे एग्रीकल्चर में, रूरल में, अर्बन में, इकोनॉमी जो भी एक अच्छी खासी प्रोग्रेस देखी जा रही थी, उसमें जो आयरन है उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो प्ले किया है इन ओपनिंग द रेन फेड फॉरेस्टेड हार्ड सॉइल एरियाज ऑफ द पिंक गैंगटिंग बेसिन टू क्लियरेंस। क्योंकि देखिए जो कुछ सॉइल ऐसी होती थी कि आप उसको हाथ से या छोटे मोटे टूल से आप जो सॉइल है उसको डग नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आयरन की वजह से अब जो हार्ड जो सॉइल एरिया था उसको भी अच्छे से आप फर्टाइल बना सकते हो, उसको भी अच्छे से जो आयरन है उसकी मदद से जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर कर सकते हो, उसे कल्टीवेशन के लायक बना सकते हो, सेटलमेंट के लायक बना सकते हो। जो प्रोडक्शन था लो कार्बन स्टील का वो कब बिगिन होता है? अबाउट 600 BC एंड द स्मिथ न्यू हाउ टू हार्डन आयरन टूल एंड सम टूल फॉर राजगढ़। तो अब यहाँ पर जो कुछ स्मिथ थे उनको पता चल गया था कि कैसे वो आयरन के टूल को और ज़्यादा हार्ड बना सकते हैं। ठीक है, सम टूल फ्रॉम राजघाट वाराणसी शो डैट देवर मेड अप ऑफ आयरन ओर्स ऑप्टेन फ्रॉम द सिंगभूम। तो यहाँ पर कुछ जो टूल्स मिलते हैं उसे पता लगाया गया है कि वो जो आयरन ओर जो ली गई है, मतलब उससे जो जो आयरन टूल से जो बनाए गए हैं वो कौन से आयरन ओर से बनाए गए हैं, जो सिंगभूम है या फिर मयूरभंज। इट दिस अपीयर दैट पीपल बिकम एक्वेंटेड विद द रिचेस्ट आयरन माइन इन इंडिया विच इंश्योर द सप्लाई ऑफ टूल्स फॉर क्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर। तो इन आयरन माइन की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा सप्लाई होने लगा था टूल्स वगैरह का क्राफ्ट वर्क के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिचेस्ट आयरन माइन्स हुआ करती थी। द पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी डेट इमर्ज फ्रॉम अ स्टडी ऑफ अ मिड कैंगेटिंग मटीरियल रिमेन एंड द पॉलिटिक्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रूरल इकोनॉमी ऑफ लेटर वैदिक टाइम इन वेस्टर्न यूपी एंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम द इकोनॉमी ऑफ द चालकोलिथिक कम्युनिटी इन बिहार एंड यूपी। देखिए अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं जो इमर्ज होती है हमारी मिड कैंगेटिंग मटीरियल रिमेन से और पॉलिटिक्स से, वो बहुत डिफरेंट है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं लेटर वैदिक टाइम से। हमने लेटर वैदिक टाइम में भी जो रूरल इकोनॉमी थी उसको पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अब जो बाद वाला जो टाइम है ये जिसमें हमें गिट जो गैंगेटिक मटेरियल रिमेन मिलते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें पॉलिटेक्स से मिलती है, और ये कौन से एरिया की इन्फॉर्मेशन है, वेस्टर्न यूपी की, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ना केवल वैदिक टाइम से बल्कि जो चालकोलिथिक कम्युनिटीज़ हैं बिहार और यूपी की उससे भी। ये देखिए टाइम चेंज हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम एन एडवांस फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी स्प्रेड ओवर द एलुवियल सॉइल ऑफ द मिड गैंगेटिक प्लेन। अब हमें क्या देखने के लिए मिल रहा था इस समय, एक एडवांस्ड फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी हमें देखने के लिए मिल रही थी, और जो किस वजह से थी, जो एलुवियल सॉइल थी मिड गैंगेटिक प्लेन की वो बहुत ज़्यादा इसमें क्रूशियल रोल प्ले कर रही थी एक अर्बन इकोनॉमी को सेटअप करने के लिए इस एरिया की। इट वॉज एन इकोनॉमी डेट प्रोवाइडेड सब्सिस्टेंस नॉट ओनली टू डायरेक्ट प्रोड्यूसर बट ऑल्सो मेनी अदर हु वर नादर फार्मर नॉट नॉर आर्टिशियन। पहले जो फार्मर्स थे उनका काम सिर्फ इतना चल रहा था कि वो अपनी फैमिली के लायक ही उगाते थे और वही उन्हीं का गुजारा करने में ख़त्म हो जाता था, तो बाकी जो दूसरे जो क्राफ्ट्स जो वर्कर हैं उनको तो वो चीज़ ढंग से अवेलेबल ही नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जो एग्रीकल्चर था, जो प्रोड्यूस था, वो इतना अच्छा हो रहा था कि वो ना केवल सिर्फ जो प्रोड्यूसर हैं उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रहा था बल्कि जो दूसरे आर्टिशियंस हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा था। दिस मेड द कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ आर्मीज पॉसिबल ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। अब इससे क्या होने लग गया, टैक्स अच्छा मिलने लग गया तो आर्मी मेंटेन होने लगी एंड क्रिएटेड कंडीशन इन विच टेरिटोरियल स्टेट कुड बी फॉर्म एंड सस्टेन। और इसी वजह से जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, टैक्स बहुत अच्छा चल रहा है, आर्मी अच्छे से मेंटेन हो रही है, तो वो जो आर्मी है वो भी एरिया भी ज़्यादा अपने स्टेट के लिए कवर कर पाएगी, तो इसी वजह से लास्ट जो टेरिटोरियल स्टेट है वो फॉर्म्ड होते हैं और अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं। यहाँ पर हमने पूरा का पूरा ये पार्ट पढ़ लिया है जो हमारी रूरल इकोनॉमी थी। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। इस लेक्चर के लिए इतना ही, छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप बोर भी ना हो और आप इजीली वीडियो को देख पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।